बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही हसास मामले पर बनाई गई है। ये ऐसा मामला है जिस पर दूसरे मजाहिब के लोग मुसलमानों को लाजवाब कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस्लाम के दुश्मन हर वक्त नई नई तौजीहात ढूंढ कर लाते हैं ताकि वो इस्लाम को झूठा दीन करार दे सकें। कभी कुरान मजीद में गलतियाँ ढूंढते हैं तो कभी मन घड़त कहानियाँ बना लेते हैं। इन्हीं मन घड़त कहानियों में एक बात ये भी कही जाती है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र सिर्फ 9 साल थी। जी हाँ दोस्तों, ये वो बात है जिसे एक आम फहम मुसलमान को चुप करा दिया जाता है या दीन से बदजन करने की कोशिश की जाती है। चलें दोस्तों, वक्त जाया किए बगैर आज की वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो शेयर करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल दीन दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। That 112 years old guy, Muhammad from Somalia, he's getting married, or sorry, got married to this 13-year-old girl, Safiya. And I was very disturbed to answer my friend because I just asked one of my friend, and he told, "This is what we learn, and this is what we return, and this is what we follow." So I just went on to the internet, as is that this is the easiest way I see. Because I don't get a chance like Zakir brother for you to question it, so I'll just read it for you if you give me a chance to read it from what I found it from the internet regarding this justification and the relationship which Muhammad had. Is that true, or you just help me out to come out of this issue, and I can go to my friend and say that this is what exactly the Quran teaches. दोस्तों, एक हिंदू शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक को एक सोमाली शख्स की मिसाल देते हुए कहा कि उसने अखबार में पढ़ा है कि सोमालिया के 112 साल शख्स ने 13 साल लड़की से शादी कर ली है। इस शख्स का नाम मोहम्मद है जबकि लड़की का नाम सुमैया है। सवाल करने वाले शख्स ने मजीद कहा कि खबर पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा अपसेट हुआ और एक मुसलमान दोस्त से इस बारे में पूछा, जिस पर उसके मुसलमान दोस्त ने भी यही कहा कि हमारे दीन में इस बात की इजाज़त है। इस हिंदू शख्स ने कहा कि बाद हजार कुछ तहकीक के बाद उसे मालूम पड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत आयशा से शादी की तो उसकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। अपने सवाल को लेकर सवाल करने वाले शख्स ने कई अहादीस के हवाले भी दिए। इस शख्स का सवाल मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर साहब माइक की तरफ तहम्मुल से बढ़े और अपनी बात शुरू कर दी। इन इस्लाम यू कैन मैरी अ वुमन द मोमेंट शी गेट मैच्योर्ड, इफ शी रीचेस प्यूबर्टी यू कैन मैरी, दैट इज इस्लाम, अ वुमन टू मैरी। फॉर अ मैन, the moment reaches puberty till he dies, he can marry anyone, choice is his. If I tell you to marry a 100-year-old woman, will you like it? Will you marry? Will you marry a 100-year-old woman? If I follow, if would I follow, you marry a woman 15 years or older to you? No. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि इस्लाम में आप हर उस औरत से शादी कर सकते हैं जो कि शादी के काबिल हो। मर्द को भी बलूगत से लेकर मौत तक शादी करने की इजाजत है इस्लाम में कि मर्द और औरत जिससे चाहें जब चाहें शादी कर सकते हैं। आपने मोहम्मद सोमाली की बात की है, उनकी उम्र 112 साल है और उनकी बीवी की उम्र 13 साल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से पूछा कि क्या आप 15 साल की उम्र की लड़की से शादी करना चाहोगे कि नहीं, जिस पर उस आदमी ने कहा कि नहीं। योर चॉइस, बट द प्रॉफिट मोहम्मद मैरिड, हिज चॉइस। ओके, प्रॉफिट मोहम्मद एट द एज ऑफ 25 मैरिड अ वुमन, हजरत खतीजा में अल्लाह बी विद हर, हु वाज 40 इयर्स ओल्ड। यू विल नॉट मैरी, आई विल नॉट टेल यू यू हैव टू मैरी, इट्स योर चॉइस। सो ही वांटेड टू मैरी अ वुमन 15 इयर्स और ओल्डर टू हर बिकॉज शी वॉज पायस, हु आर वी टू ऑब्जेक्ट, ही इज विलिंग एंड द वुमन इज विलिंग, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि ये आपकी चॉइस है, जबकि मोहम्मद सोमाली ने 112 साल में 13 साल की लड़की से शादी की, ये उसकी चॉइस है। उसकी बीवी राजी है, बीवी के वालिदैन राजी हैं, ये उनकी मर्जी है। जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस थी और उनकी पहली बीवी की उम्र 40 साल थी। आप इस तरह शादी नहीं करेंगे कि आपकी बीवी की उम्र 40 साल हो और आपकी उम्र 25 साल हो। मैं भी आपको नहीं कहूंगा कि आप 40 साल की उम्र की औरत से शादी करो।
अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से 15 साल बड़ी औरत से शादी की, ये उनकी मर्जी थी क्योंकि वो मुत्तकी और परहेजगार औरत थी। हमें इस पर क्या इतराज होना चाहिए? इसलिए तो कहते हैं कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि मोहम्मद सोमाली की वो 112 साल के हैं और उसकी बीवी 13 साल की है, इस हवाले से मेडिकल साइंस कहती है कि 112 साल के आदमी से 13 साल बच्ची हामला हो सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले शख्स को कहा कि क्या ये दुरुस्त है, तो सवाल करने वाला शख्स बोला हाँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है। जिस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि शादी उन्होंने की है तो तुम्हें उनकी शादी पर क्यों प्रॉब्लम है? अगर आप अपनी बेटी या बहन का रिश्ता नहीं देना चाहते तो मत दो। 13 साल लड़की के बाप ने अपनी खुशी से बेटी दे दी और मोहम्मद सोमाली ने कर ली। हो सकता है कि वो लड़की इस बुजुर्ग शख्स को पसंद करती हो। अब आते हैं दूसरे सवाल की जानिब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की थी तो उनकी उम्र 9 साल की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा यह सवाल एक औरत ने भी उनसे किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मेरी बात गौर से सुनो। बुखारी शरीफ में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो एक खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किससे करूँ? तो इस खातून ने कहा आप चाहें तो कुंवारी से, आप चाहें तो बेवा से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुंवारी कौन है और बेवा कौन है? उस औरत ने अर्ज किया कुंवारी तो आपको जो सबसे प्यारी हैं, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी आयशा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेवा कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि सौदा बिनते जमा हैं। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ दोनों जगह मेरा पैगाम ले जाओ। चुनाचे वो खातून हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँची। उस वक्त हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद न थे। उस औरत ने हजरत की वालिदा को खुशखबरी दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के साथ निकाह का पैगाम भेजा है। चुनाचे आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ ले आए तो उस औरत ने उनसे भी वही बात की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी है। ये बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर मेरे इस्लामी भाई है, हकीकी भाई नहीं है। जिसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला हो राजी हो गए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब मेरा निकाह हुआ मैं 6 साल की थी, जब मेरी रुखसती हुई तो मैं 9 साल की थी। ये तो हकीकत है कि शादी 9 साल की उम्र में हुई है। पहली बात ये कि ये हदीस सही है या नहीं, मेरी नज़र में ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग कहते हैं हजरत आयशा शादी के वक्त 19 बरस की थी, वो कहते हैं यहाँ अशरा की मिसिंग है, ये उनकी बात गलत है, उनके पास इसकी कोई दलील नहीं है। ये लोग मंतकी अंदाज से भी इसको साबित नहीं कर सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को बढ़ाते हुए कहा कि आज हम इस बात को मंतकी अंदाज से साबित करते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की थी। ये बात दुरुस्त है। मैंने 1991 में मेडिकल मुकम्मल किया। मेडिकल बताता है कि बच्चियां कब बड़ी हो जाती हैं और शादी के काबिल हो जाती हैं। भारत में 13 से 14 साल में शादी के काबिल हो जाती हैं। अमेरिका में 12 से 13 बरस की बच्चियां शादी के काबिल होती हैं। ये जो उम्र की तब्दीलियां हैं ये खानदान, इलाके और खुराक पर मुनहसर हैं। मेडिकल हमें बताता है कि 9 साल की उम्र में बच्चियां उस वक्त शादी के काबिल हो जाती हैं जब उन्हें अयाम शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत से ममालिक में मुख्तलिफ कवानीन है। इंडिया में 18 बरस से कम उम्र लड़की शादी नहीं कर सकती, जबकि अमेरिका में शादी के लिए उम्र की हद 16 साल रखी गई है। इसी तरह इंडोनेशिया में 19 साल की बच्ची शादी कर सकती है। अजीब बात यह है कि अमेरिका की एक रियासत टेक्सास में 14 साल की उम्र में शादी की जा सकती है। टेक्सास में ये कानून क्यों है हमें कुछ पता नहीं, लेकिन इस्लाम कहता है कि जब मर्द या औरत शादी के काबिल हो जाएं तो शादी कर सकते हैं। यहाँ पर उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि हजरत आयशा ने सच फरमाया, वो बहुत जहीन थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शादी के वक्त 55 बरस की थी और उनकी उम्र 9 साल की थी। यहाँ साफ पता चल रहा है कि शादी महज एक रिलेशनशिप नहीं थी बल्कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इल्म देना मकसूद था। हजरत आयशा इस्लाम की सबसे पहली हाफिज़े कुरान थी। जहाँ किसी मसले में सहाबा फंस जाते थे तो वो फतवा देती थी। लिहाजा हम इस बात में क्यों किसी को एतराज का निशाना बनाएं, और ये साइंस के भी मुताबिक है, इस्लाम के भी मुताबिक है, तो हम क्यों किसी पर एतराज करें? आज भी आप अरब में जाकर देखें 9 साल
बच्चा 15 साल का नजर आता है। मस्जिद नबी अफतारी के वक्त जब बच्चे दस्तरखान पर अफतारी तकसीम करते हैं तो अपनी खुराक की वजह से अपने मौजूद उम्र से भी ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ की आबो हवा और खुराक ऐसी है। खुद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रुखसती से पहले मैं दुबली पतली थी, मेरी वालिदा ने ककड़ी और खजूर इतना खिलाया कि मैं मोटी ताजी हो गई। आपको या हमें मदाखलत करने से क्या मिलेगा? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की बच्ची से शादी की है तो ये उनकी चॉइस है। अगर 112 साल मुसलमान सोमाली शख्स ने 13 साल लड़की से शादी की है तो ये उसकी चॉइस है। आप शादी मत करो, मैं आपको नहीं कहूँगा, आप छोटी बच्ची से शादी करो। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के जवाब से आप मुतमईन हुए हैं या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।